नमस्कार, मैं वासु। आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी सिंप्लीफाई यूट्यूब चैनल। और यार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर डस्ट एंड स्नो के बारे में, जिसे लिखा है द मोस्ट फेमस ऑथर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो बिना आपका समय गवाए चलिए इस चैप्टर की डीप मीनिंग को फील किया जाए। नहीं क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप छोटी सी बात में बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिए हो? जैसे कभी आपके पेरेंट्स ने आपको गाड़ी देने से मना कर दिया हो, या फिर मम्मी ने खाने में लहसुन डाल दिया हो। ऐसे कुछ छोटे छोटे मोमेंट होते हैं जब हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पर हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं। और इस पोयम में ऑथर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसी टॉपिक पे बात की है। ऑथर रॉबर्ट फ्रॉस्ट पहले पैरा में कहते हैं, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जब मैं रास्ते में ही था, तभी एक क्रो जो एक हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था, उसने हल्का सा मूवमेंट किया, पर उसके उस मूवमेंट ने मेरे ऊपर स्नो गिरा दिया। अगले पैरा में ऑथर कहते हैं, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। और मेरा दिल उस मोमेंट में बहुत खुश था, क्योंकि उस क्रो ने मेरा मूड बदल दिया और मेरे दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया जिसमें मैं रियूड होने वाला था। इस पोएम में ऑथर ने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहने की सलाह दी है। जब क्रो ने ऑथर के पास स्नो गिराई तो वो फ्रस्ट्रेट भी हो सकते थे, पर वो इस सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहे। तो बस यहीं पे खत्म होती है छोटी सी पोएम डस्ट एंड स्नो। बात कर लेते हैं इस पोएम में यूज हुए कुछ लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। इस पोएम में पोएट ने बेसिकली 5 लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए हैं, जो हैं सिमली, मेटाफोर, एलिट्रेशन, रेपिटेशन और पर्सोनिफिकेशन। बात कर लेते हैं एक एक करके सारे लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। अगर पोएट किसी दो चीजों को एस या लाइक वर्ड का इस्तेमाल करते हुए कंपेयर करें, तो वहां पे सिमली लिटरेरी डिवाइस होता है। वहीं अगर पोएट दो चीजों को बिना एस या लाइक वर्ड इस्तेमाल किए कंपेयर करें, तो वहां मेटाफोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आप अच्छे इंसान जैसे हो, तो यहाँ सिमली होगा, जबकि अगर मैं कहूँ आप अच्छे इंसान हो, तो यहाँ मेटाफोर होगा। बात कर लेते हैं एलिट्रेशन की। अगर पोएम में सेम साउंड रिपीट हो रहा है, तो वो एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का एक एग्जांपल है। कोई फर्क नहीं पड़ता वर्ड का पहला लेटर सेम हो या नहीं, जैसे कार इज फार अवे फ्रॉम अस या फिर नेम एंड फेम वर वर्थलेस। बात कर लेते हैं रेपिटेशन की। रेपिटेशन एलिट्रेशन का एक एडवांस केस है। अगर पूरा का पूरा वर्ड पोएम में लगातार रिपीट हो, तो उसे रेपिटेशन कहते हैं। वहीं अगर पोएट पोएम में किसी नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग प्रेडिक्ट करे, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो बस यहीं पे खत्म होती है छोटी सी पोएम डस्ट एंड स्नो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे एक लाल दरवाजा होगा, उसे नॉक करके बेल भी प्रेस कर देना, जिससे आपको इस खूबसूरत परिवार की सारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।